Hello everybody, welcome to Brain of Solution. Today we'll be doing question number 3, B part from exercise 13B. Okay, iska A part humne last video mein kar liya tha. Here we'll be doing the B part, okay? Now, in these two triangles, we have to find that are these two triangles congruent or not. Hame ye batana hai, theek hai? So here, in triangle ABC and triangle RST, ABC and triangle, इसको लिख लेते हैं हम RST, right? यहाँ पर क्या है? AB is equal to RS. AB side RS की equal है. This is given. ठीक. Then we have angle B is equal to angle S. दोनों 90 degrees है. This point is also given. AB given है. Then we have CB is equal to ST. CB ST के equal है. ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या मिला है? We have side angle side. ठीक. जो दो sides equal हैं, उनका ही common angle equal है इस triangle के, और ये दोनों sides भी equal हैं. ठीक. तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे? Will you write it like ABC is congruent to RST? तो ऐसे नहीं लिखेंगे, we won't write it like this. अब हम देखते हैं कौन सा पॉइंट इसको correspond कर रहा है. तो ये वाला फिगर अगर हम सीधा करके बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे इस फिगर को? एंगल B 90 डिग्री है, यहाँ पे वी हैव S 90 डिग्री. CB इज इक्वल टू ST, तो T यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और ये पॉइंट पे R हो जाएगा. दैट मीन्स A पॉइंट corresponds टू A, कौन से पॉइंट को correspond कर रहा है? R को, ठीक है. B पॉइंट corresponds टू S पॉइंट, राइट, एंड C पॉइंट corresponds टू T पॉइंट. क्या करा है मैंने? इस फिगर को ऐसा बना दिया है कि ये दोनों congruent हो जाए, है ना. अब हम ये ओवरलैप हो जाएगा ना, तो हम कैसे लिखेंगे? ए बी सी इज congruent टू ट्राइंगल आर एस टी, ठीक है, राइट. तो ये ऐसे लिखेंगे इसे, क्लियर है. नाउ वी कम टू द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, सी पार्ट. वी हैव अ ट्राइंगल लाइक दिस, एंड वी हैव दिस इज द, दिस इज ए बी सी, दिस इज पॉइंट डी, ठीक है. दीज टू साइड्स आर 30 30. यहां पर सपोज इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, एक ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है. तो व्हाट वी हैव हियर इज बी डी इज इक्वल टू डी सी, राइट, सी डी. बी डी इज इक्वल टू सी डी, राइट. फिर इफ दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी 90 डिग्रीज हो जाएगा. एंगल डी इज इक्वल टू एंगल टी, ठीक है. देन वी हैव ए डी इज इक्वल टू ए डी. दोनों ट्राइंगल में ये वाली लाइन कॉमन है, ठीक है. तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? एस ए एस, ठीक है. दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी डी इज कॉमन इन टू ट्राइंगल ए सी डी, क्लियर है. आप उसको ऐसे नहीं लिखिएगा कि ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी सी, ये नहीं लिखना है. क्यों? ऐसा करने से क्या होगा? है क्या, एंगल ए एंगल ए को कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है, साइड ए को कॉरिस्पॉन्ड कर रही है पॉइंट, ठीक है. पॉइंट बी कॉरिस्पॉन्ड्स टू पॉइंट सी, और पॉइंट डी कॉरिस्पॉन्ड्स टू पॉइंट डी. तो हम कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है. ए की जगह ए आएगा, बी की जगह सी आएगा यहां पर, और डी की जगह डी आएगा, क्लियर है. जब समझिए एक पेपर है आपके पास, यू हैव अ पेपर लाइक दिस, ठीक. ये एक पेपर है, उसमें हमने ट्राइंगल बनाए, जब इसको ओवरलैप करेंगे तो ये सी किसके ऊपर पॉइंट जाएगा? बी पे जाएगा ना, ठीक है. तो इन ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, क्लियर. नाउ वी कम टू द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन.
this is R, U, T, this point is S, okay? This is 30 degrees, here this is also 30 degrees, 5 centimeter and 5 centimeter. तो यहाँ पे ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल यू टी आर, ट्राइंगल यू टी आर, ये जो ट्राइंगल है ये हमें शो करना है दैट दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस टी एस आर टी. ठीक है, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट है. तो हम कैसे शो करेंगे, हियर यू टी इज इक्वल टू UT is equal to SR, है ना? ये 5 सेंटीमीटर है, SR is also 5 सेंटीमीटर्स. एंगल T, ये वाला एंगल UTR, this angle, या फिर आप लिख दीजिए UTR is equal to एंगल SRT. दोनों एंगल्स भी कॉमन है, वो सॉरी कॉमन कह रही हूँ, these two angles are also equal and RT is equal to RT. This side is common. तो कौन सी क्राइटेरिया लग रहा है? S A S. S A S लग रहा है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? Triangle UTR is congruent to triangle SRT. Clear? ठीक है? तो here we complete the fourth part of this question. Now we move on to the. अरे, this was a D part. Now we move on to the fourth question. क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव अ फिगर लाइक दिस. यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी फिगर है, ठीक है, ए दिस इज बी एंड दिस पॉइंट इज पी. ठीक है, वी हैव पॉइंट क्यू हियर, देन वी हैव आर एंड एस. ये आर पॉइंट है एंड दिस पॉइंट इज एस. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी पी देखते हैं और ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल आर एस क्यू. ठीक है, ए बी पी एंड ट्राइंगल आर एस क्यू, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. ठीक है, एस आर क्यू, दिस इज एस आर क्यू, ए बी पी एस आर क्यू को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू हियर इज, ये दोनों एंगल्स जो है वो सेम गिवन है ना, तो यहाँ पे लगा हुआ है ना. ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर गिवन है यहाँ पर. ठीक, देन वी हैव ये वाली दोनों साइड्स पे भी मार्क है ना. ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट दीज टू लाइन्स आर इक्वल. ठीक है, तो वी हैव ए बी इज इक्वल टू आर एस, आर एस. ठीक, वी हैव वन मोर थिंग है, यहां पर है हमारे पास बी क्यू इज इक्वल टू आर पी. बी क्यू जो है वो आर पी के इक्वल है. ठीक, अगर हम दोनों तरफ अगर हम क्यू पी एड कर दें, दोनों में क्यू पी एड कर देते हैं, तो बी क्यू प्लस क्यू पी क्या बन जाएगा, बी क्यू प्लस क्यू पी विल बिकम बीपी. ये बीपी बन जाएगा, क्लियर. और यहां पर क्या हो जाएगा, आरपी प्लस क्यू पी विल बिकम आर टू क्यू. ये क्या हो जाएगा, आर क्यू. दैट मीन्स यहां से हमको क्या मिलता है, एक नया एक वो मिलता है, क्लू मिलता है. ठीक है, यू कैन इवन कॉल इट एज अ क्लू. यहां पर हमें क्या मिला, दैट बीपी इज इक्वल टू आर क्यू. ठीक है, तो अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला लगा देते हैं, साइड एंगल साइड, तो दोनों ट्राइंगल क्या आ गए. तो ये दोनों ट्राइंगल को हम प्रूफ कर सकते हैं कि यस दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. और हमने कौन सा क्राइटेरिया लगाया है, एस ए एस. क्लियर, ठीक है. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज इन अ ट्राइंगल बी क्यू आर. ये ट्राइंगल है बी क्यू आर एंड दिस इज द पी क्यू आर, दिस इज द ऑल्टीट्यूड, दिस इज पॉइंट एस. ये ऑल्टीट्यूड है
तो दैट मीन्स ये 90 डिग्री बन रहा होगा और ये बाइसेक्ट कर रहा हो, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो गए, ठीक है। तो फिर इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल पी आर एस, पी क्यू एस एंड पी एस पी आर एस, जब हम इन दोनों ट्राइंगल को देखते हैं तो यहां पर क्या है, वी हैव क्यू एस इज इक्वल टू आर एस, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी एक लाइन को अगर दिस साइड इज बाइसेक्टिंग, दैट मींस उसने इसको कितने में डिवाइड करे, इनटू टू इक्वल पार्ट्स, क्लियर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बोला गया है, तो दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक। देन वी हैव एंगल पी एस क्यू, ये वाला एंगल इज 90 डिग्री क्योंकि ऑल्टीट्यूड बोला है, तो दैट मीन्स दिस एंगल इज अगेन पी एस आर, दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए, तो दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए, ठीक। देन वी हैव पी एस इज इक्वल टू पी एस, दिस साइड इज कॉमन, ये वाली साइड कॉमन होगी, तो इन दोनों ट्राइंगल में कौन सा वो लग रहा है, लॉ लग रहा है, बाय एस ए एस साइड एंगल साइड, दीज टू ट्राइंगल्स आर प्रूफ टू बी कॉन्ग्रुएंट, क्लियर हो गया, ठीक है। और हमको पता है कि इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होता है, उनके दे हैव, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ऑल साइड्स आर इक्वल, उसकी सारी कोरिस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होती है ना, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल, है ना, साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या होगा कि पी क्यू विल बी इक्वल टू पी आर, पी क्यू पी आर के इक्वल होगा, क्लियर है। अगर किसी ट्राइंगल में टू साइड्स आर इक्वल तो हम उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस ट्राइंगल एज आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्लियर है, हेंस वी हैव प्रूव्ड यस दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्लियर, ठीक है। Now we move on to the next exercise.